तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का अगला वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर्स के वीडियो प्लस इसके जो स्लाइड्स होंगी वो पीडीएफ नोट्स ये सारी चीज़ें अगर आपको एक एक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो फेसबुक का लिंक है आप उसको जाकर उस पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर वो सारे नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। जहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सवाल है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हुए हैं सेल के, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल को बनाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है वो सारी की सारी आपकी किस में आ जाएंगी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। शुरुआत कर देते हैं, आपका मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का, बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बिना सेल को सोचना नामुमकिन है। ये आपका लिपिड हो गया। इसके अलावा अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन के बिना, एंजाइम्स के बिना आपका सेल को नहीं सोचा जा सकता, ये भी आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ गया। आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए आरएनए की फॉर्म में मौजूद है सेल के अंदर, उसके बिना सेल को सोचना नामुमकिन है, वो भी आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ गया। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना सेल का होना संभव ना हो वो आपके हो जाएंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स से देख लेते हैं। दालचीनी, काली मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें एक पंजेंट स्मेल होती है, एक ख़ास तरीके का, एक जिसको हम स्पाइसेस बोलते हैं। अब भाई ये तो बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना कि प्लांट्स ने बैठ करके नहीं हमको इंसान खाएंगे तो हमको एक इस तरीके का मसाला बनाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो सारे के सारे जो सो कॉल्ड चीज़ें हैं जो कि पंजेंट हैं वो क्या हैं, वो भले से आपके अंदर वो माइनर अमाउंट में टॉक्सिक नहीं होगी लेकिन वो प्लांट को किसी ना किसी तरीके से बचा रहा था। वो प्लांट का सेकेंडरी मॉलिक्यूल था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट था, वो प्लांट को हेल्प कर रहा था, भले से जीने मरने की बात नहीं थी वहाँ पे। अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ एब्सेंट हो जाएगी लिपिड में से, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड में से, प्रोटीन में से, सेल मर जाएगा, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जैसे ये ना, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको हर जगह मिलेगा, लिपिड्स इसेंशियल नॉन इसेंशियल, प्रोटीन्स इसेंशियल नॉन इसेंशियल, सॉरी अमीनो एसिड इसेंशियल नॉन इसेंशियल। ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का कॉन्सेप्ट ही ये है कि इसेंशियल अगर बॉडी खुद बना ले रही है, भाई लिपिड कोई ऐसा है जो कि बॉडी खुद बना ली है तो वो नॉन इसेंशियल हो जाएगा, लेकिन अगर बाहर से चाहिए तो वो इसेंशियल लिपिड कहलाएगा। सेम तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होनी ही चाहिए तभी वो सेल्स बन के जिंदा रह पाएगा। लेकिन अगर हमको जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, कुछ एडिशनल का जो ओवरहैंड है वो प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कराते हैं जिंदा रहने के लिए। वो सारे के सारे जो मसाले हम सोचते थे कि हमारे खाने के लिए हैं वो हमारे खाने के लिए नहीं है, वो प्लांट के जिंदा बचे रहने के लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कि द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेशन ऑफ द थाउजेंड्स कंपाउंड। केमिस्ट्री में आपका जितनी भी आप लेबोरेटरीज जाके देखेंगे उसमें आप नए कंपाउंड्स निकाल रहे हैं, या तो उसका क्रिस्टल बना रहे हैं या फिर उसको प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल बिग फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिटरमाइंस देयर स्ट्रक्चर एंड पॉसिबल सिंथेसाइज देम, अगर हो सके तो उसको बनाने की भी कोशिश करते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है यूरिया का। यूरिया एक्चुअली क्या था कि शुरुआत में लोग कंसिडर करते थे कि जो जिंदा चीज़ें हैं वो केवल जिंदा लोगों में ही मिलेंगी, मतलब लिविंग थिंग्स में जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं वो लिविंग बींग्स के अंदर ही मिलेंगे, कहीं भी वो इन विट्रो मतलब कि शरीर से बाहर उसका सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया कि यूरिया को, क्योंकि यूरिया हमारे अंदर बनता था, हम यूरिया निकालते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में, उन्होंने यूरिया लैब में बना के दिखाया था, तो वहाँ से वो पहला ब्रेकडाउन हुआ था कि नहीं, जो चीज़ें बाहर मौजूद हैं वही हमारे अंदर भी मौजूद हैं। तो यही काम करते हैं हमारे केमिस्ट लोग, उसको बनाने की भी कोशिश करते हैं। इफ वन वर मेक अ लिस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स सच इज द लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कि अगर किसी को लिस्ट बनाने को दे दी जाए कि बायोमॉलिक्यूल की लिविंग बींग्स में किस किस तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं तो आपको बहुत बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर से क्या क्या हो सकते हैं, इसके अंदर अमाइनो एसिड, शुगर्स एटसेट्रा। अब फॉर रीजन दैट आर गिवन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दीज बायोमॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स। कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन का एक प्रोडक्ट होगा, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और जितना भी प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बोला जाएगा, मेटाबोलाइट बोला जाएगा। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच मेटाबोलाइट्स। अब आप किसी भी एनिमल में ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हाउएवर व्हेन वन एनालाइसिस प्लांट्स, फंगल, माइक्रोबियल सेल्स, अगर आप माइक्रोबियल वगैरह इन सब चीज़ों को, प्लांट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्राइमरी कंपाउंड, प्राइमरी मेटाबोलाइट से अलग हट करके भी कुछ कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। वो उसके अपने हार्मोन्स हो सकते हैं, वो उसके अपने अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स। आप सोचते होंगे ये मॉर्फिन है क्या, है मॉर्फिन है क्या,
मॉर्फिन एक एक मॉलिक्यूल है जो कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हम आजकल उसको अब्यूज़ कर लेते हैं। हम मॉर्फिन का कोडीन बना करके उसको कफ सिरप में इस्तेमाल कर लेते हैं, हम उसकी दवाइयाँ बना लेते हैं। मेडिसिनल कितना बड़ा ब्रांच है जो मेडिसिनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और इनसे रिलेटेड है, जिनसे हमको नई नई चीज़ें मिलती हैं। बैक्टीरिया से आपको नए नए तरीके के एंटीबायोटिक मिलते हैं, फंगस से आपको एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। तो वो प्लांट ने अपने लिए बनाया था। जो पहला जो पेनिसिलियम नोटेटम से जो पेनिसिलिन निकल रहा था वो फंगस ने अपने लिए बनाया था। हमने देखा कि फंगस किसी तरीके से बैक्टीरिया से बच पा रहा है, बैक्टीरिया को अपने पास ग्रो नहीं होने दे रहा है। तो वो फंगस ने जो पेनिसिलिन बनाया था, हमने बोला चलो भाई हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम अपने लिए यूज़ कर लेंगे। तो जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट अपने लिए बनाते हैं, अपनी जिंदा की रहने की जो प्रायिकता है प्रॉबिलिटी उसको इंक्रीज़ करने के लिए बनाते हैं। कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें उसके एग्जांपल हो जाएंगे। दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या देते हैं, व्हेन द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके बिल्कुल पता है आपको कि क्या करेगा, शुगर क्या करेगा, लिपिड क्या करेगा, फैट क्या करेगा आपका, ये आपको पता है कि क्या करेगा। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे कि वी डू नॉट नो एट द मोमेंट द अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कि हमें सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो काम है वो नहीं पता है इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, कि कुछ हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, रबर, ड्रग्स, स्पाइसिस, सेंस एंड द पिगमेंट, ये सारी चीज़ें। फूड कलरिंग कहाँ से आ जाती है आपका, अलग अलग तरीके की जो सुगंध है, जो सेंट आप यूज़ करते हैं वो प्लांट से आ सकते हैं। आपका इत्र प्लांट से बनता है, आपके स्पाइसेस प्लांट से आते हैं, आपका ड्रग्स अलग अलग तरीके की जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो आपका प्लांट से आता है। आयुर्वेदा पूरा का पूरा इस पर बेस्ड है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मतलब अभी अभी मेरे को दिमाग में स्ट्राइक किया कि जो बाबा रामदेव की पूरी आइडियोलॉजी है वो किस पे बेस्ड है, वो इस चीज़ पर बेस्ड है। आज पतंजलि 10,000 करोड़ कमा रही है, उसका 10,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, वो इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की वजह से, प्राइमरी की वजह से नहीं है। प्राइमरी में देखिए अमीनो एसिड भी बीच बिक रहे हैं, मतलब कि जो जिम वाले खाते हैं वो अमीनो एसिड का पूरा खाते हैं, वो ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस भी इन लेटेस्ट चैप्टर ईयर एंड ईयर्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस, कि आपको आगे चल करके इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एज फार एज द 11th एनसीईआरटी इज कंसर्न, इतना ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हमको पढ़ना होगा। अब शुरुआत कर रहे हैं हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, सो कॉल्ड, जो हमने डिस्कस किया था कि अगर एक थाली में कुछ खाना रखा है, अगर चपाती रखी है तो उसमें स्टार्च है, अगर चावल है तो उसमें भी स्टार्च है, दाल है तो उसमें प्रोटीन है, और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो वो है हमारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ये हमको क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। शुरुआत हो रही है हमारी कि देर आर वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एसिड पूल, के वो जो हमने अभी पुराने वीडियो में देखा था कि जो हमने एसिड पूल जो फ्रैक्शन में जा सारी चीज़ें डिजॉल्व होकर आ गई थी, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम द 18 to 800 डाल्टन, उनका जो वेट है वो इतने तक वेरी कर रहा है। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 types ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो एसिड से इनसॉल्युबल नहीं था, जो उसमें नहीं आ पाया था, उसमें 4 चीज़ें थी। जो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो बड़ा था, उसका भार ज़्यादा था, इसलिए वो नीचे नहीं आ पाया। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो प्रोटीन है, प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, ऑल दो वी कंसिडर इट इन मैक्रो मॉलिक्यूल क्योंकि ये ऊपर वाले फ्रैक्शन में रह गया था, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं था। अब आगे बोल रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें ये एक एक चीज़ है ना, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड, इनको डिटेल में देखता जाना है। दीज क्लासेज ऑफ द कंपाउंड विद एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड, लिपिड को एक्सेप्शन ले रहा है यहाँ पर वो, हैव मॉलिकुलर वेट इन टू द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन और अबव, कि इनका जो भार होता है वो वेट होता है, क्योंकि ये सारे के सारे लिपिड को अगर छोड़ते जाए तो सारे क्या है, पॉलीमर है, प्रोटीन पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड का, लिखता चलते हैं। ओके, प्रोटीन पॉलीमर है किसका, यहाँ पर प्रोटीन पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड का। शुगर किसका पॉलीमर है, शुगर बहुत जनरल टर्म है, कार्बोहाइड्रेट्स किसका पॉलीमर है, शुगर, आई मीन जैसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स का, मोनोसेकेराइड आपके आगे चल के पॉलीसेकेराइड बना देते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए किसका, इसका मोनोमर क्या रहता है हमारा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। For this very reason, there are biomolecules, that is the chemical compound found into the living organisms, are of two types. दो तरीके के होंगे। One, those which have the molecular weight less than 1 and 1,000 Dalton. देखिए ये बड़ा है, पुराना
क्लासिफिकेशन का मेथड है कि कोई चीज़ सॉल्यूबल रह गई, कोई चीज़ इनसॉल्यूबल रह गई। लेकिन अभी हम आज की डेट में जानते हैं कि अगर आपका जो आपका एक सेल जिस चीज़ से बना हुआ है ना, एक सेल जिस चीज़ से बना हुआ है वो लगभग लगभग सभी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और वो क्या क्या है? आपका लिपिड, फैट, डीएनए आरएनए, प्रोटीन और क्या बचा, शुगर। यही आपका जो एक सेल जिससे बना हुआ है वैसे ही वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो जाएंगे। यूजुअली रेफर टू एज द मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल और द सिंपली द मैक्रो, जिनका साइज कम है एक से हज़ार तक माइक्रो मॉलिक्यूल, जिनका साइज ज़्यादा है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, सिंपल, कोई नहीं, साइज के बेसिस पे डिफाइन कर रहा है पूरे इसके अंदर, पूरे पैराग्राफ के अंदर। द मॉलिक्यूल इनटू द इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड आर पॉलीमेरिक इन सब्सटेंस। अगर लिपिड को आप छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे क्या हैं? पॉलीमर है, प्रोटीन का, अमीनो एसिड शुगर का, मोनोसेक्राइड डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीमर। इधर राइट साइड वाले मोनोमर, लेफ्ट साइड वाले पॉलीमर। देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट इज डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर द इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, दैट इज द मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। क्योंकि लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बट दे आर लाइपोफिलिक, दैट इज द ऑब्वियसली इफ इट इज लिपिड इट विल बी लाइपोफिलिक, बट बेसिकली आंसर है कि ये एपोलर होता है। एपोलर होने की वजह से वो फ्रैक्शन में नहीं जा पाया था। आप क्या यूज़ कर रहे हैं? एसिड कर रहे हैं यूज़। एसिड क्या था? वो पोलर था, एसिडिक एसिड था, तो वो क्या था? पोलर था। पोलर के अंदर पोलर चीज़ डिजॉल्व होगी, लिपिड पोलर के अंदर नहीं डिजॉल्व हो पाया तो ऊपर रह गया था, तो लिपिड वाला पोर्शन भी आपने इसमें ले लिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं कि लिपिड आर इंडीड स्मॉलर वेट कंपाउंड एंड प्रेजेंट नॉट ओनली इन सच, ओके एक सेकेंड, कंपाउंड and present not only in such but also arranged into structures like cell membrane. आपका केवल और केवल कहाँ कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। जहाँ तक आप लिपिड के रोल्स की बात करना चाहेंगे, लिपिड के रोल्स को फटाफट से एक मिनट में देख लेते हैं कि लिपिड्स के रोल क्या क्या रहेंगे। रोल किसका? लिपिड का। लिपिड के रोल में आ गया आपका सबसे पहला फॉस्फोलिपिड, जो आपका क्या बना रहा है? फॉस्फोलिपिड, जो आपका बना देगा मेम्ब्रेन। ये आपका जो मेम्ब्रेन बन रही है वो पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड से बनी। इसके अलावा ये बना देता है आपका जो आपके कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, विटामिन ए, है ना, विटामिन डी, विटामिन ए से क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, उससे जो डिराइव हो रहा है रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ओके, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, या ईस्ट्रोजन, ओके, ये सारी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में आ गया। आपको ठंड से कौन बचाता है? लिपिड। तो ये आपका थर्मो इंसुलेटर, थर्मो इंसुलेटर। और सबसे नंबर वन एनर्जी का सोर्स है, ओके, फैट से आप एनर्जी ले सकते हैं। तो ये आपके रोल्स हो गए किसके? लिपिड के। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी डिसरप्ट द सेल स्ट्रक्चर, अगर आप ग्राइंड करेंगे तो पूरा का पूरा सेल डिसरप्ट हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, सारी मेम्ब्रेन्स टूट फूट जाएंगी एंड वेसिकल्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और जो वेसिकल्स बनते हैं चूंकि वो फॉस्फोलिपिड का पार्ट होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, क्योंकि ये गोल्डन रूल है। वो गोल्डन रूल क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, कोई चीज़ पोलर है तो वो पोलर में ही घुलेगी। अगर पान, देखिए आप दारू में पानी डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों घुल जाएंगे, क्यों? दोनों पोलर हैं। वो है आपका इथेनॉल CH3CH2OH और ये है आपका H2O, दोनों के दोनों पोलर हैं, दोनों में OH आ रहा है, ओके। बट बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो किसी ए पोलर चीज़ विटामिन ए जो है वो आपका बेंजीन में घुल जाएगा, विटामिन ए आपका उसमें नहीं घुलेगा, वाटर में नहीं घुलेगा। तो पोलर चीज़ें पोलर में घुलती हैं, ए पोलर चीज़ें ए पोलर चीज़ों में घुलती हैं। अब इसी का कारण है कि यहाँ पर आप देखेंगे मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से आपको जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पार करवाने के लिए किसी तरीके की ट्रांसपोर्टर किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐसे तो पार कर जाएगी, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा लीनियर होता है? नहीं होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला इधर डाइपोल मूवमेंट, ये वाला इधर डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट से इधर ये कैंसिल हो जाएगा। और जब इस पे ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल CO2 एपोलर हो गया है और फॉस्फोलिपिड, अभी अभी हमने देखा है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है जो कि एपोलर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को घुल के पार करने में क्या प्रॉब्लम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें पार करके चली जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको। तो लाइक डिसॉल्व लाइक इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट इट। नेक्स्ट इज देयरफॉर लेट मी टेक, ओके,
Therefore, these membranes fragmentation of vesicle बना लेते हैं, get separated along with the acid insoluble fraction. तो ये किस में था, यही हमने डिस्कस किया था ऊपर, कि जो चूंकि ये सारा का सारा जो लिपिड membrane वाला पोर्शन है वो एसिड वाली चीज़ के संग सॉल्यूबल नहीं हो सकता, वो इंसॉल्यूबल फ्रैक्शन में रह जाता है. ओके, सो इट इज़ इन टू इंसॉल्यूबल पूल एंड हैंस कॉल्ड एज द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन. क्योंकि सारा का सारा प्रोटीन का वजन ज़्यादा था, पॉलीमर था इसलिए ऊपर रह गया, शुगर का पॉलीमर था इसलिए ऊपर रह गया, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर था इसलिए ऊपर रह गया, लिपिड इनसॉल्यूबल था इसलिए ऊपर रह गया, इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाता है. ठीक है, द एसिड सॉल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली इनटू द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन. लगभग वो साइटोप्लाज्म में जो होता है वो आपका इसमें होगा. देखिए, कहने को तो आपका प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से, लेकिन अगर कुछ अमाइनो एसिड होंगे वो तो नीचे चले जाएंगे ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका अमाइनो एसिड फिर जो इसेंशियल थिंग है उसमें नहीं आएगा. ये शुरुआती एक्सपेरिमेंट थे, इसलिए थोड़ा सा केवल और केवल हम जो चीज़ हुई उसको देख रहे हैं, ना कि जो चीज़ होनी चाहिए आज के टाइम में. ओके, बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है ये. द एसिड सॉल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली टू द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन. जो नीचे गिरा है, जो फिल्ट्रेट वाला पोर्शन था वो एसिड सॉल्यूबल है, वो साइटोप्लाज्म को दिखाता है. द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल बिकम द एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे किस में आ गया, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में है. टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कि ये सारे दोनों चीज़ों को मिला दें अगर आप, शुरुआत इससे की थी ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इन दोनों को वापस मिला देंगे तो पूरा का पूरा लिविंग टिश्यू की जो कॉम्पोजिशन है वो आपको मिल जाएगी. इन समरी, संक्षेप में, इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू इन द अबंडेंस पॉइंट ऑफ द व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट द वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन टू द लिविंग बींग. कि अगर आप उसको बस उसके मात्रा के अनुसार लाइन में लगा देंगे, और सबसे ज़्यादा मैं पहले भी कई बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ, जो सबसे ज़्यादा अंडर अप्रिशिएटेड अंडर रेटेड मॉलिक्यूल है हमारे पूरे अर्थ पे वो वाटर है, और वाटर को हम इतना ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं. देखिए, आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि एंजाइम नाम की चीज़ होती है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि एंजाइम नाम की चीज़ होती है, चीज़ों को रिएक्शन कराने में जो मदद करता है वो एंजाइम करता है. लेकिन एक फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट से वाटर भी आपका एंजाइम की तरह काम करता है, मतलब वो चीज़ों को रिएक्ट करने का मौका देता है. कोई चीज़, आप दो चीज़ें ले लीजिए, उनको इसका पाउडर ले लीजिए, इसका भी पाउडर ले लीजिए, भले से ही आपस में कितने अच्छे से रिएक्ट करने वाले हों, लेकिन अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने वाले ये, लेकिन जैसे ही इन दोनों चीज़ों को आप पानी में मिला देंगे वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा. पानी उसको जिंदगी बनने की, जिंदगी अर्थ पर लाइफ आने की, हम दूसरे ग्रहों पर क्या खोज रहे हैं, हम चंद्रयान से जो वाटर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मंगलयान वगैरह से, अलग अलग चीज़ों से, कि अगर कहीं से हमें वाटर के ट्रेसेस मिल जाएँ. तो वाटर बहुत ज़रूरी है. इसके बाद हमारा आ गया प्रोटीन मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर आयंस अलग अलग तरीके के. ये हमारा परसेंटेज वाइज, अबंडेंस वाइज इनको हमने लाइन में लगा रखा है. पहला चीज़ शुरुआत कर रहे हैं हम, वेरी फर्स्ट थिंग, प्रोटीन बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है. देखिए, अगर आप जाएं सन 1940 के करीब, हाँ, तो 1952 में DNA की डिस्कवरी हो गई थी. और ये बात है, जब पता नहीं था कि आखिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होता है, है ना. तो उस टाइम पर अगर आप किसी भी साइंटिस्ट से जाके पूछेंगे बोलेंगे कि भाई ये जो जेनेटिक मटेरियल अगर होगा तो कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो DNA जो कि जेनेटिक मटेरियल बन सकता है, तो आपको हर साइंटिस्ट यूनैनिमसली बोलता दिखेगा कि प्रोटीन. क्योंकि प्रोटीन में इतना ज़्यादा वेरिएबिलिटी था, लोगों का सोचना ये बात लाजमी था कि जो नंबर वन मॉलिक्यूल होगा वो प्रोटीन ही होगा. जो जीन्स को, जो सो कॉल्ड ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जा रहा होगा वो प्रोटीन होगा. ऑल दो आज की डेट में हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं है, हम आज की डेट में जानते हैं कि वो DNA और RNA है. मगर अगर आप उस टाइम पर किसी से पूछेंगे जब ये पता नहीं था, तो सभी लोग आपको बोलेंगे कि प्रोटीन होगा, होना चाहिए उसको. तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, सारे काम आपका एंजाइम कैटालिसिस से लेकर के आपका स्ट्रक्चर बनाने, तो आपके सेल में दो ही तो काम है, एक काम है कि उसका स्ट्रक्चर बनाना और दूसरा काम है उसका फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी वाला पार्ट भी आपका प्रोटीन करता है और स्ट्रक्चर बनाने का काम भी आपका प्रोटीन करता है. तो एक तरीके से आपका प्रोटीन जो है वो सिंगल हैंडेडली आपको पूरा का पूरा सेल चला रहा है. आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी डेफिशिएंसी आपको अलग अलग तरीके की डिजीज़ कॉज करती हैं, मरासमस, हॉर्शोरिकर या अलग अलग डिजीज आपको जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती हैं, देखेंगे आगे अगर हमारे NCERT में उनका मेंशन है तो हम करेंगे. शुरुआत करते हैं इसके पढ़ने की कि आखिर इसमें क्या दिया. प्रोटीन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड, ऑब्वियस सी बात है जी भाई, पॉलीपेप्टाइड है. पेप्टाइड, पेप्टोन, प्रोटीन, अमाइनो एसिड,
इन सब डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ऑलिगोपेप्टाइड क्या चीज़ें हैं ये सब, इन सब चीज़ों को फटाफट से एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ये है आपका एक अमाइनो एसिड, मान लीजिए क्या है, अमाइनो एसिड। जब दो अमाइनो एसिड, कितने तरीके के अमाइनो एसिड है हमारे पास, प्लीज़ 20, दुनिया में तो बहुत तरीके के, बॉडी में जो प्रोटीन बनाते हैं वो केवल 20 तरीके के। ठीक है, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड में हमारा आ गया, दो अमाइनो एसिड को एक साथ लगा दीजिए, क्या बन गया आपका, ये डाई पेप्टाइड। ओके, डाई पेप्टाइड, और ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ऑल्दो ये अमाइड बॉन्ड होता है, मगर प्रोटीन के अंदर बड़ा स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं। डाई पेप्टाइड हो गया, तीन लगा लीजिए, ट्राई पेप्टाइड, थोड़ा सा बड़ी चेन कर लीजिए 10-20 की, तो उसको बोल देंगे हम ऑलिगोपेप्टाइड। और इसके बाद जब एक लंबी चेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड की वही जो बनती है वो आपका बन जाएगी, ये कंटिन्यू रहेगी। ये है आपका प्रोटीन, जब ये एक स्पेसिफिक शेप लेकर के, एक 3D शेप लेकर के सामने आएगा, जब ये फंक्शन करने के, कोई एक काम करने के लायक हो जाएगा, कहीं कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लायक हो जाएगा, कोई किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के काम में आ जाएगा, तब इसको हम कहेंगे प्रोटीन। आपकी बॉडी में सांसों को, गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड को आपका बाहर के एनवायरनमेंट से आपकी टिश्यू तक ले जाने वाला चीज़ भी, मैक्रोमोलिक्यूल भी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है। आपकी बॉडी में रोग रोधक क्षमता, जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज आपने सुना, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रोटीन। आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, देखिए जितने भी, आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मैंने सही बोला होगा, क्योंकि इंडिया में मोर देन 60% पीपल आर ओ पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली दैट बाय रैंडम चांस जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें से 60% भी ओ पॉजिटिव वाले ही होंगे। तो आपका जो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो, अगर कुछ और है तो, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज प्रोटीन्स। आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स, इधर से बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या, आपका मूड स्विंग से लेकर के हर चीज़ जो डिपेंड करती है वो हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है, कि हम किस तरीके से एक्ट करेंगे। ग्रोथ होना, ग्रोथ हार्मोन, आपका बच्चा पैदा होना, पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। सारी चीज़ें या हॉर्मोन्स आपके प्रोटीन हो गए, इंसुलिन हो गया, आप यकीन नहीं लगाएंगे आपकी बॉडी में आप जहाँ देखेंगे प्रोटीन पाएंगे। ओके, तो दैट इज़ वाई प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको कि आपको नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि, डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दे रहा है वो फटाफट से, वो क्या क्या है। कोलेजन बोल रहा है, आपकी बॉडी में हर जगह कोलेजन मौजूद है, आपका ब्लड वेसल के नीचे लाइनिंग है कोलेजन की, आपकी चमड़ी, आपका स्किन के नीचे लाइनिंग है कोलेजन की। कोलेजन जब ठीक से नहीं बनता है तो आपको क्या बोलते हैं कि आपको रिंकल्स आने लगते हैं। रिंकल्स आते हैं जब कोलेजन बनना कम हो जाता है। आपका कोलेजन काम करता है क्या कहते हैं, आपका सॉकेट, आपके दांत आपके सॉकेट में लगे हुए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोलेजन। इतने सारे काम है कोलेजन के, इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, कहाँ, इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में है कोलेजन प्रोटीन, बहुत ज़रूरी होता है। आपका वाइटामिन सी और वाइटामिन, ये जो सब चीज़ें होती है कोलेजन को बनाने में बड़ा अच्छा मदद करती हैं, इसलिए आप देखते भी होंगे कि जो हमारी क्रीम में वाइटामिन ई और वाइटामिन सी है, आपको इस तरीके से क्रीम बेचने वाले जो एड्स मिलते हैं उसमें भी आपको कोलेजन को इस तरीके से बेचा जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, स्टमक में काम आता है, खाना आप डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंजाइम। इंसुलिन हार्मोन है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऊपर नीचे करना इसका काम है। एंटीबॉडी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि आपका डिफेंस सिस्टम इससे चलेगा। रिसेप्टर, ये जो हार्मोन है वो जाकर के जिस चीज़ से इंटरेक्ट करेगा, दैट इज़ रिसेप्टर। ग्लट फोर इज़ ऑल्सो अ रिसेप्टर, इट इज़ नॉट अ मोर ऑर लेस, इट इज़ अ ट्रांसपोर्टर, कि अलाउ करेगा कि आपका चीनी जो शुगर है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लट किसके लिए, जी फॉर ग्लूकोज, ओके सॉरी GLU फॉर ग्लूकोज एंड T फॉर ट्रांसपोर्टर। हमारे पास कई तरीके होते हैं, जी ग्लट वन, ग्लट टू, ग्लट फोर, तो यहाँ पर ग्लट फोर ऐसे ही लिख रखा है इसने रैंडमली, तो ग्लट फोर, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रोटीन। आई होप हमने काफ़ी इधर उधर की बातें की प्रोटीन के बारे में, फटाफट से इसका NCERT वाला पोर्शन देख लेते हैं कि दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, कि लीनियर चेन होती तो लीनियर चेन है, लेकिन काम तब करेंगे जब ये अपना 3D स्ट्रक्चर बना लेंगे, लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होता कुछ नहीं है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी को जाके बोलेंगे तो बोलेगा नहीं होता है कुछ, अमाइड बॉन्ड होता है, अमाइड बॉन्ड को बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर। ओके,
ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ये हमको पता है. एज देर आर 21 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, देखिए 21 लिख दिया इसने डेफिनेटली. कहने को आप कह सकते हैं कि 21 होता है, लेकिन आप 20 आप ज़्यादातर सुनेंगे. क्यों? क्योंकि 21 और 22 वैसे तो आजकल और भी हो गए. जैसे प्रोलीन है, तो प्रोलीन जो है वो कन्वर्ट होके हो जाता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, तो उसको जैसे 21st अमाइनो एसिड बोल दिया बॉडी में. सिस्टीन है, तो सिस्टीन बदल के हो जाता है सेलिनोसिस्टीन, तो उसको भी 22nd अमाइनो एसिड बोल सकते हैं. दैट इज मोर ऑर लेस मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अमाइनो एसिड, कि जो आपका पहले से अमाइनो एसिड बॉडी में मौजूद है उसी का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, इसलिए आपको ये जो 21 बोल दिया गया. बट प्रोटीन में कौन से, अगर आप बोलेंगे तो 20 बोलेंगे तो भी चलेगा. अब प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर. हेट्रो मतलब कि देखिए भाई, अगर एक ही चीज़ को मैं बार बार लगा दूँ, हाँ, ये ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ग्लूकोज की एक लंबी चेन अलग अलग तरीके से बनवा दूँ तो बन गया मान लो ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है होमोपॉलीमर, क्योंकि ये सारे के सारे सेम मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज है. ग्लूकोज एक ही मॉलिक्यूल है, इसका पॉलीमर बना दिया तो बन गया होमोपॉलीमर. अब बन जाते हैं लैक्टोज, ले लीजिए एग्जांपल. लैक्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना. तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या है? हेट्रो पॉलीमर. कैसे? पॉलीमर तो नहीं है बट ना, दो यूनिट तो हैं, डाइमर तो है, तो हेट्रो डाइमर हो गया ये. तो इसी तरीके से जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कभी कुछ लग गया, कभी एलेनिन सिस्टीन सेलिन सिस्टीन प्रोलीन ट्रिप्टोफैन मिथाइल कुछ भी लगता जा रहा है, ये अलग अलग तरीके का अमाइनो एसिड लग रहे हैं, तो ये क्या है आपका? ये है हेटेरो पॉलीमर. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द होमो एंड द हेटेरो पॉलीमर होना चाहिए आपको, करेक्ट. आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है? हेटेरो पॉलीमर है एंड नॉट होमो पॉलीमर. होमो पॉलीमर होता क्या है वो हमने देख लिया. होमो पॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक ही तरीके का मोनोमर होगा और उसमें एन टाइम्स होगा. दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एज द लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन. देखिए ये वाला चैप्टर और जो डाइजेशन वाला चैप्टर है ना, बिल्कुल एक दूसरे के भाई बंधु हैं, क्योंकि आप यही देखने वाले हैं कि आखिर जो चीज़ आप खा रहे हैं वो आप तोड़ेंगे. जब खाना खा रहे हैं ना, स्टार्च खा रहे हैं ना, स्टार्च खाएंगे तो स्टार्च को तोड़ेंगे, ग्लूकोज में बदल जाएगा. यहाँ पर भी तो आप यही पढ़ रहे हैं कि स्टार्च जो डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, यहीं पर तो आप पढ़ रहे हैं. आप प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ेंगे, अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे और बॉडी में जा करके उसका दोबारा से प्रोटीन बनवा लेंगे, है ना. तो ये जो दोनों चैप्टर हैं बड़े इंटर रिलेटेड हैं. तो इसके बाद अगर आप इस चैप्टर के बाद अगर आप डाइजेशन वाला चैप्टर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि पहले से मौजूद है. ओके, तो दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एज द लेटर इनटू योर न्यूट्रिशन चैप्टर, आपके डाइजेशन वाले चैप्टर में काम आएगा. यू विल लर्न दैट द सर्टेनली अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड द हेल्थ दे हैव सप्लाइड इनटू आवर डाइट. के भाई बिल्कुल ज़रूरी है कि आपके बॉडी में जो होते हैं ना, देखिए अमाइनो एसिड भी ऐसे ही होता है, 20 तरीके के हैं, 20 में से होंगे कुछ इसेंशियल, कुछ होंगे नॉन इसेंशियल. इसेंशियल जो कि आपको चाहिए, आपका बॉडी खुद नहीं बना सकता है. नॉन इसेंशियल अगर नहीं भी खाएंगे तो बॉडी खुद बना लेगी. तो अमाइनो एसिड जरूरी होते हैं आपकी हेल्थ की डाइट के लिए. हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ द इसेंशियल अमाइनो एसिड. कि इसेंशियल अमाइनो एसिड आपको डाइट से मिलता है, आपका बॉडी खुद नहीं बनाता है. जो नॉन इसेंशियल है वो बॉडी खुद बनाएगा. नाम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सर. Therefore, amino acid can be essential, non-essential. ये बोल रहा है. The later those which our body can make, बाद वाले non-essential वाले body बना सकती है, while we get essential amino acid through our diet, हमारी diet से मिलते हैं. Protein carry out many functional living organisms. मैंने नहीं, सारे के सारे यही करता है. Some transport, कुछ transport करता है nutrition का along the cell membrane, उनको transporter बोला जाता है. Some fight with infection, उनको antibodies बोला जाता है. Some are hormones, उनको insulin बोला जाता है. Some are enzymes, बॉडी में एंजाइम्स की कमी नहीं है, सारे एंजाइम्स. ओके, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. 99.9% आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं. प्लीज़, 99.9% जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं. बट वॉट इज दैट वन थिंग? दैट इज RNA. RNA कैन ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम. दिस ये क्वेश्चन इतनी बार नीट में आ चुका है, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि दैट RNA स्पेसिफिकली इज नोन एज द राइबोजाइम. ओके, बिकॉज दैट पर्टिकुलर RNA, क्योंकि वो जो RNA होता है वो पार्ट होता है RNA का, राइबोसोम का पार्ट होता है, तो राइबोजाइम उसका नाम होता है. और ये होता RNA है और एंजाइम कैटालिसिस कर सकता है, और बाकी जितने भी एंजाइम्स आपको पता है वो सभी के सभी प्रोटीन के बने होंगे. ओके, आगे बोल रहा है कॉलेजन. ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका एक नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल इतनी बार ज़्यादा पूछा जा चुका है. कॉलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन टू द एनिमल वर्ल्ड.
कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है पूरे एनिमल किंगडम में, दैट इज कोलेजन. ओके, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका सीबीएसई में. राइबुलोज रुबिस्को, सो कॉल्ड राइबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, आइदर दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट यू टू नो दिस फुल फॉर्म के, या तो एक नंबर में इसको एक्सपेंड करने के लिए आ जाएगा, ये एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं एक नंबर में, या तो एक्सपेंड करने के लिए बोल देगा, या बोल देगा कि कौन सा एंजाइम जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में मिलता है, दैट इज रुबिस्को. कौन सा प्रोटीन पूरे के पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, दैट इज ऑल्सो रुबिस्को. ठीक है, तो एंजाइम्स भी है, और एंजाइम भी ये खुद है, और प्रोटीन भी खुद है सबसे ज़्यादा एनिमल्स में. जो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कोलेजन केवल और केवल एनिमल्स की बात हो रही है, क्योंकि रुबिस्को जो है वो प्लांट का पोर्शन है, प्लांट में मिलता है. ओके, पॉलीसेक्राइड शुरुआत कर रहे हैं हम पॉलीसेक्राइड के बारे में. पॉलीसेक्राइड क्या होता है देख लेते हैं. ये है आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसको आप अगर तोड़ें तो आपको बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे. ठीक है, शुगर, इंडिविजुअल शुगर के मॉलिक्यूल, वो चीज़ जिसको तोड़ने पर आपको दो ग्लूकोज या दो मोनोसेक्राइड मिल जाएं, उसको डाइसेक्राइड कहते हैं. ठीक है, ये दो सेक्राइड हैं, दो शुगर हैं, इनको अगर तोड़ेंगे, अगर आपको दो मोनोसेक्राइड्स मिल जाएं तो उसको डाइसेक्राइड कहते हैं. अगर कोई चीज़ तोड़ेंगे और तीन मिल जाएं उसको ट्राइसेक्राइड कहते हैं. अगर किसी चीज़ को तोड़ें और कई सारे दो से लेकर के 18-19 ऐसे कुछ मिल जाएं आपको, उसको ऑलिगोसेक्राइड बोलते हैं. और कई सारे मिल जाएं उसको पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब बहुत, सेक्राइड मतलब शुगर, पॉलीसेक्राइड. इसी तरीके से पॉलीसेक्राइड तो सीधा सीधा हो गया आपका, पॉलीसेक्राइड के काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के लगा दीजिए एक साथ लाइन में, और काफ़ी सारे आपको याद भी करने पड़ेंगे. तीन जो बिल्कुल इनेविटेबल हैं, जो आपको याद होने ही चाहिए, दैट आर नंबर वन सेल्यूलोज. सेल्यूलोज जो होता है प्लांट का सेल वॉल होता है, प्लांट का सेल वॉल, ये एक नंबर के क्वेश्चन है सारे के सारे, सेल्यूलोज प्लांट का सेल वॉल. नंबर दो ग्लाइकोजन, और ये भी ये किसका पॉलीमर है, ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है. नंबर दो ग्लाइकोजन, ये एनिमल में शुगर स्टोर कैसे होती है. ओके, स्टोरेज, स्टोरेज शुगर की जो स्टोरेज होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है एनिमल्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल एनिमल्स में. ये भी आपका ग्लूकोज का पॉलीमर होता है. तीसरा बचा आपका सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च. ओके, स्टार्च आपका ऑब्वियसली हम खाते हैं और प्लांट्स बनाता है, और ये भी आपका ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है. ये तीनों के तीनों पॉलीसेक्राइड हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको. जो इसके अलावा जो आपको याद नहीं रखने या सेकेंडरी लेवल पे इंपॉर्टेंट में आते हैं वो भाई, ऑब्वियसली ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है काइटिन. काइटिन एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि आपका इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन बनाता है, स्केलेटन बनाता है इंसेक्ट का. ओके, इंसेक्ट का. और दूसरा ये बनाता है आपका फंगस का सेल वॉल, फंगस का जो सेल वॉल होता है वो आपका काइटिन का बना होता है. इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है पेप्टिडोग्लाइकिन. पेप्टिडोग्लाइकिन, पेप्टिडोग्लाइकिन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, बैक्टीरिया सेल वॉल. देखिए एक नंबर के क्वेश्चन है सारे के सारे, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकिन. अब देख लेते हैं भाई यही क्या कह रहे हैं. ये बोल रहे हैं कि द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैड पॉलीसेक्राइड, क्यों, जो ऊपर वाला पोर्शन था जो डिजोल्व नहीं होता उसमें, क्योंकि भार बहुत ज़्यादा था इसमें, तो ये पॉलीसेक्राइड थे. इनको कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. क्या नाम है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट मतलब पानी पिया कि नहीं पिया, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन का CH2ON, डब्बा बंद कीजिए, बाहर लगा दीजिए N. यहाँ पर अगर मैं N इज इक्वल टू 6 डाल दूँ, थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना मैथ, C6H12O6, नाम सुना है ना, आठवीं क्लास से सुनते आ रहे, ग्लूकोज है. तो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट. पॉली मतलब बहुत सारे, सेक्राइड मतलब शुगर, उसको तोड़ेंगे तो कई सारे शुगर मॉलिक्यूल मिलेंगे. अब ऐसे करके मोनोसेक्राइड की क्या डेफिनेशन होगी फिर, कि वो चीज़ जिसको हाइड्रोलाइज करने पर आपको कुछ भी शुगर जैसा प्राप्त नहीं होगा, दैट इज मोनोसेक्राइड. ओके, ये सारी चीज़ नहीं दी है, बट चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें अलग से मैं बता रहा हूँ, आए ना आए इट्स ओके, बट कुछ ना हो तो एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कंठस्थ होनी चाहिए. द एसिड इनसॉल्युबल पैटर्न में आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, एज द अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, आपका मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आ जाता है. पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होता है, दे आर थ्रेड, लिटरली ऑब्वियसली थ्रेड कुछ नहीं होता, लिटरली पॉलीसेक्राइड ही होता है, कॉटन का जो थ्रेड होता है. कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज द बिल्डिंग ब्लॉक, अलग अलग मोनोसेक्राइड्स होते हैं. देखिए अगर अलग अलग मोनोसेक्राइड हैं
तो हेट्रोपॉलीमर, अगर एक ही है, एक वाले में कौन कौन सा था, सेल्युलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सारे के सारे एक ही शुगर के बने हुए हैं, दैट इज ग्लूकोज, तो ये होमोपॉलीमर है. फॉर एग्जाम्पल, सेल्युलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड एंड दैट इज ग्लूकोज. यही बोल रहा है वो, कुछ अलग नहीं बोल रहा है. सेल्युलोज इज अ होमोपॉलीमर, स्टार्च भी होमोपॉलीमर है, ये भी ग्लूकोज का बना. अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज, अगर अगर आपको ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया है तो केवल आप पैसिवली इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं. मैंने बोला कि ग्लूकोज का पॉलीमर ग्लाइकोजन, मैंने बोला ग्लूकोज का पॉलीमर सेल्युलोज, मैंने बोला ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च. अब आपको क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये पूछना चाहिए ना, ऑब्वियसली नहीं पूछ सकते, बट आना चाहिए था एटलीस्ट दिमाग में कि ये तीनों चीज़ें ग्लूकोज का ही पॉलीमर हैं, तो नाम अलग अलग क्यों हैं और काम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि नाम अलग हैं तो कहीं ना कहीं काम भी अलग कर रहे होंगे, तीनों एक ही चीज़ से बन रही हैं, नाम अलग कैसे हो सकते हैं? तो जी भाई, डिफरेंस आता है इनके बॉन्डिंग पैटर्न में, इन सब में अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग हुई हुई है. स्टार्च में सेलुलोज आपका लीनियर होता है, स्टार्च आपका ब्रांच्ड होता है, एमिलोज और एमिलोपैक्टिन का बना होता है, इसलिए ठीक है. स्टार्च इज वेरिएंट ऑफ दिस, बट स्टार्च वेरिएंट होता है क्योंकि इज प्रेजेंट एज द स्टोरेज हाउस ऑफ द एनर्जी प्लांट टिश्यू, की प्लांट जो जो सो कॉल्ड शुगर का सिंथेसिस करता है उसका जो पॉलीमर बना के रखता है, दैट इज नथिंग बट द स्टार्च. एनिमल हैव अनदर काइंड ऑफ शुगर, एनिमल्स में क्या मिलती है? एनिमल्स में हमें मिल जाती है पॉलीसेक्राइड चेन, ओके, दैट इज द वेरिएंट इज कॉल्ड इज द ग्लाइकोजन. तीनों के तीनों, सेल्युलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, तीनों क्या थे? शुगर के पॉलीमर थे. इन्यूलिन, ये जो चीज़ है ना, इन्हें देखिए मैं फटाफट से लिखता हूँ, ये नीट वालों ने तो इतना ज़्यादा इसका अच्छे से इस्तेमाल किया है, शायद ही कोई करेगा. देखिए, इन्यूलिन और इंसुलिन, हाँ, राइबोसोम और राइबोजाइम, लाइजोसोम और लाइजोजाइम, थायमीन और थायामीन, ये क्या करते हैं नीट वाले, ये ऐसे शब्द ढूंढते हैं जो बिल्कुल सेम सेम साउंड कर रहे हो. इंसुलिन प्रोटीन है, इन्यूलिन शुगर है, राइबोजाइम एंजाइम है, राइबोसोम ऑर्गेनल है, लाइजोजाइम एंजाइम है, लाइजोजोम ऑर्गेनल है, थायमीन वाइटमिन है, थायमीन जो है आपका नाइट्रोजिनस बेस है. तो ये इन शब्दों से जरा बच के रहिएगा क्योंकि ये एक नंबर में नीट वाले लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों का. तो इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर को इन्यूलिन बोला जाता है, एंड तो ये एक नंबर में आ सकता है. इन पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन में द राइट एंड इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज द नॉन रिड्यूसिंग एंड. शुगर जो होती है ना, उनको आप एक और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो क्लासीफिकेशन है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर. आपका अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप इसमें जो होता है एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन वाले, वो अगर ओपन एंडेड हैं, खुले हुए हैं, और वो किसी चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि कॉपर आयन होता है, जिसको कि जिसको हम बेनेडिक्ट टेस्ट वगैरह जो अलग अलग टेस्ट होते हैं उसमें यूज़ करते हैं. तो मेन बात, शुगर दो तरीके की हो सकती हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, डिपेंडिंग अपॉन उसका किसका फंक्शनल ग्रुप ओपन है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे उसका ओपन होता नहीं है, राइट साइड पे वो खुला हुआ होता है. इट हैज़ अ ब्रांच शोन दैट इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून, नीचे आपको ब्रांच फॉर्म कार्टून में दिखाई गई. स्टार्च आपका पॉलीमर होता है जो कि ब्रांच होता है, मैंने अभी भी बताया था, क्या बोलता है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन जो होता है, किसकी पोर्शन होता है. स्टार्च इज बिंग डिवाइडेड इन टू टू थिंग्स, एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन, लिखना चाहें लिख लीजिए, एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन. ओके, ये लीनियर रहता है, ये ब्रांच रहता है, और दोनों मिलके बनाते हैं स्टार्च. ओके, स्टार्च फ्रॉम द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इनटू द हेलिकल पोर्शन. स्टार्च आयोडीन गिव्स द ब्लू कलर, एक नंबर का क्वेश्चन. और आपके जो सबसे प्रिमिटिव, जो अगर आप सबसे कितने से कितने सरकारी स्कूल में आप क्यों ना हो, ये एक्सपेरिमेंट तो आपको कराया जाना चाहिए, या इसके लिए कुछ लगता भी नहीं है. आप एक कागज़ ले लीजिए, कागज किसका बना है, कागज प्लांट का बना है ना, तो उसमें स्टार्च हो गई होगा. आप इसके ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे, आयोडीन होता है थोड़ा सा कत्थई कलर का, ब्राउनिश कलर का, और जैसे ही आप इसको कागज पे डालेंगे, कागज ब्लू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका स्टार्च किसको पकड़ लेता है, आयोडीन को पकड़ लेता है. सेल्युलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट होल्ड आई टू आयोडीन. ठीक है, तो
सेल्यूलोज लीनियर रहता है, लीनियर पॉलीमर है। यहाँ भी हम देख चुके थे कि क्या क्या लीनियर था, ठीक है। सेल्यूलोज लीनियर था, स्टार्च ब्रांच्ड है। प्लांट सेल वॉल आर मेडअप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। प्लांट सेल वॉल मेडअप ऑफ सेल्यूलोज, फंगस की काइटिन की और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की। इंपॉर्टेंट यू फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलोज की बनी होती है, कॉटन फाइबर भी सेल्यूलोज होता है। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर। नेचर में बहुत तरीके के कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है। आपका जो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ना इसने, ग्लूकोसामीन एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन एनएसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है। अभी हमने बोला, मैंने बोला था ना यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन था पेप्टिडोग्लाइकन जो हम डिस्कस कर रहे थे। पेप्टिडोग्लाइकन खुद किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन ही इन चीज़ों का बना होता है। किस किस चीज़ का? एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन ग्लूकोसामीन और एनएसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, म्यूरामिक एसिड। तो इसको बोल देते हैं नैग और नैम। तो नैग और नैम का बना होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकिन। ओके, एक्सोस्केलेटन हम ये भी डिस्कस किया था, किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है दिस। और इसके अलावा काइटिन क्या कहाँ होता है? फंगस का सेल वॉल, फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। और इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स वगैरह में जो एक्सोस्केलेटन, केकड़ा ऊपर से जो इतना हार्ड दिखता है, कॉकरोच जो ऊपर से इतना हार्ड दिखता है, वो सब काइटिन की वजह से होता है। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स आर हेट्रोपॉलीमर, अलग अलग पॉलीमर्स के बने होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। जहाँ तक न्यूक्लिक एसिड की बात है, हम डिस्कस कर चुके थे कि डीएनए और आरएनए क्या था हमारा? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए किस किस चीज़ के बने होते हैं? तीन चीज़ों के बने होते हैं। क्या क्या चीज़? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, है ना। शुगर कौन सा था? राइबोज। राइबोज कैसी शुगर होती है? पांच कार्बन की। अगर राइबोज है तो आरएनए में यूज होगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर इसमें से एक ओएच को बाहर निकाल दूं मैं तो ये बन जाएगा डी ऑक्सी राइबोज, और ये किसका पोर्शन हो जाएगा? ये बन जाएगा डीएनए का पार्ट, क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म भी होती है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पांच कार्बन का शुगर होता है और उसको बोला जाता है राइबोज या डी ऑक्सी राइबोज। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला पोर्शन की राइबोज या डी ऑक्सी राइबोज। दूसरा फॉस्फेट तो है ही, फॉस्फेट में तो क्या करना, फॉस्फेट तो है ही, शुगर फॉस्फेट की बैक बोन होती है। ओके, क्या होती है अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से होता है, शुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन है। इस तरीके से यहाँ पर से भी शुगर फॉस्फेट, इसे क्या बना रहा है? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेसिस बेस लगे रहेंगे, नाइट्रोजनस बेस, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका बन जाएगा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बहुत बेकार है बट इस तरीके से बनता है। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे प्यूरीन, दो रिंग वाले, पायरिमिडीन एक रिंग वाले। पुराने वीडियो में ये हो चुका है हमारा सब कुछ, प्यूरीन, एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारे होते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ओके, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन टू द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन दैट विल बी द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर है तो इसके मोनोमर भी होंगे। मोनोमर को क्या बोला जाता है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है पुराने वीडियो में देखिए। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो इन तीन चीज़ों का बना होता है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। चलिए आगे पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रहा है कि दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड इज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ दिस लिविंग टिश्यू। इनसे ही आपका लिविंग टिश्यू का मेन फ्रैक्शन बनता है। क्या क्या चीज़? पॉलीसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तीन चीज़ें, तो डीएनए आरएनए और आपका शुगर सारे के सारा और आपका प्रोटीन सारे के सारा, यही चीज़ आपका मेन चीज़ बनाती है। अब फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड का जो मोनोमर है क्या है, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोटाइड हैज अनदर थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट, तीन कॉम्पोनेंट होते हैं भैया, क्या क्या होते हैं? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, ये भी हम देख चुके हैं। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज द मोनोसेक्राइड एंड द थर्ड इज द फॉस्फोरिक एसिड और द फॉस्फोरेट। देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो है आपका ये प्यूरिन, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक अलग अलग, हेट्रो मतलब अलग अलग साइकिल, एक छः की एक पाँच की,
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। सेकंड मोनोसेक्राइड, ये रहा हमारा मोनोसेक्राइड और डिऑक्सीराइबोज जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा फॉस्फोरिक एसिड और द फॉस्फेट, ये रहा हमारा फॉस्फेट। As you noticed in figure 9.1, the heterocyclic compound, the nucleic acid are the nitrogenous base. ये nitrogenous bases होते हैं, इसी के बारे में बात कर रहा था। क्या क्या होते हैं? Adenine, guanine. Adenine और guanine हमारे होते हैं purine, heterocyclic होते हैं, दो ring होती हैं इसमें। और इसके अलावा होते हैं हमारे pyrimidine, pyrimidine में होता है एक ही ring, uracil, cytosine, thymine, uracil, cytosine and thymine. Adenine and guanine are substituted purine, while the rest of the substituted pyrimidine, okay, adenine, guanine are substituted purine, है ना? क्योंकि adenine और guanine क्या है? Purine ही है। Purine को दो तरह के purine होते हैं, adenine, guanine, वही बोल रहा है। While the rest are substituted pyrimidine, जो बाकी तीन बचे वो सारे के सारे pyrimidine है, ये भी बोल रहा है, ठीक है। और कुछ अगर अलग से नहीं बोल रहा है, सेम बात बोल रहा है। The skeletal of the heterocyclic called the purine and the pyrimidine respectively, ठीक है। द स्केलेटल हाइड्रोसिक्लिक रिंग आर नोन एज द प्यूरिन एंड पिरामिडिन रिस्पेक्टिवली, कि जो हाइड्रोसिक्लिक रिंग है वो प्यूरिन एंड पिरामिडिन कहलाती हैं। द शुगर फाउंड इन द पॉली, ये कौन सी शुगर मिलती है इसमें, जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? पांच कार्बन वाली, राइबोस, पांच कार्बन। अब मोनोसेक्राइड पेंटोज, पेंटोज मतलब पेंट मतलब पांच, ओज मतलब शुगर, ग्लूकोज, ओज मतलब शुगर होता है, पेंट मतलब पांच, मोनोसेक्राइड मतलब एक ही शुगर है, मतलब कि इससे और छोटी शुगर नहीं हो सकती है। अगर इसमें या तो हो गई राइबो शुगर, ये रहा राइबो शुगर का एग्जांपल हमने ले लिया। अगर इसमें से मैं OH निकाल दे रहा था, और OH कहाँ से निकल रहा है? टू डैश पोजीशन से, मतलब कि अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूँ कुछ जिस तरीके का राइबोस का, ये है स्ट्रक्चर राइबोस का, कार्बन नंबर एक दो तीन चार CH2OH, पाँचवा कार्बन एक पहला दूसरा। अगर मैं यहाँ पे तो OH है राइबोस में, अगर यहाँ से O निकाल दूँ तो जो चीज़ बनेगी वो कहलाएगी डीऑक्सीराइबोस, और वही हमारा डीएनए का पार्ट होता है। और न्यूक्लिक एसिड कंटेन डीऑक्सीराइबोस एंड हेंस डीएनए का पार्ट हो गई, और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का पार्ट हो गई। अगर ये इधर से पढ़ के समझ में नहीं आया है, और ये जो सो कॉल्ड फ्लो चार्ट है समझ में आ गया है, मोर देन इनफ। ओके, क्या चीज़ है? न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? तीन चीज़ों का, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। शुगर होती है पाँच कार्बन वाली, पाँच कार्बन वाली शुगर राइबोस, ऑक्सीजन निकाल दो डीऑक्सीराइबोस, फॉस्फेट फॉस्फेट ही रहेगा। नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के, दो रिंग वाले प्यूरिन, एक रिंग वाले पिरिमिडिन, दो रिंग वाले एडेनिन गुआनिन, एक रिंग वाले यूरेसिल साइटोसिन थायमिन। यूरेसिल केवल और केवल आरएनए में मिलता है।